हेलो स्टूडेंट्स, आज है मकर संक्रांति। क्या आप जानते हैं कि मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है? पतंगबाजी के लिए, या गजक के लिए, या फिर तिल के लड्डू के लिए? तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम जानते हैं मकर संक्रांति के पीछे जो साइंस है उसके बारे। तो स्टूडेंट्स, मकर संक्रांति का सारा श्रेय जाता है हमारे सूरज चाचू के पास। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सेंटर पर एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इक्वेटर से जो अर्थ का अपर पार्ट है उसे बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। वहीं इक्वेटर से जो लोअर पार्ट है उसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। नाउ हम इक्वेटर से जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें एक और लाइन मिलती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जब हम इक्वेटर से थोड़ा और नीचे जाते हैं तो हमें एक और लाइन मिलती है जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हमें इन तीनों लाइन को ध्यान में रखते हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक बात और ध्यान में रखते हैं, जो हमारा प्यारा भारत है वो लाई करता है नदर हेमिस्फीयर में। नाउ हम लोग रहते हैं इंडिया में और इंडिया पड़ता है नदर्न हेमिस्फीयर में। तो नदर्न हेमिस्फीयर में समर्स कब आते हैं? सन जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है नदर्न हेमिस्फीयर में। यह हम ये बोलते हैं सन की रेज ज़्यादा बढ़ती है नदर्न हेमिस्फीयर में, जिस कारण नदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाते हैं और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स। नाउ जैसे जैसे अर्थ अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं, अर्थ की पोजीशन चेंज हो जाने के कारण उस टाइम बाद सन जो है वो डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में, यानी सन की रे ज़्यादा पड़ेगी सदर्न हेमिस्फीयर में, जिस कारण से सदर्न हेमिस्फीयर में समर्स आ जाएंगे और वहीं नदर्न हेमिस्फीयर में इंडिया वाले पोर्शन में विंटर्स आ जाएंगे। थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, जून के महीने में सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के रीजन में आ जाएगी गर्मियाँ। यानी कि हम कह सकते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में आएगी समर्स और वही सदर्न हेमिस्फीयर में आएगी विंटर्स। जैसे जैसे अर्थ अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ती जाएगी कुछ टाइम बाद सन परपेंडिकुलर हो जाएगा इक्वेटर के, यानी सितंबर के मंथ में सन परपेंडिकुलर होगा इक्वेटर के। कुछ टाइम बाद सन परपेंडिकुलर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, यानी दिसंबर तक सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, जिस कारण से सदर्न हेमिस्फीयर में समर आ जाएगी। वहीं नदर्न हेमिस्फीयर यानी इंडिया वाले रीजन में विंटर्स। तो सन की लाइट एक साल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाती है वापस, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जाती है और यह साइकिल साल दर साल चलता रहता है। तो जिस दिन सन वापस नदर्न हेमिस्फीयर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के दिन शिफ्ट होता है उसी दिन मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। हिंदी कैलेंडर में इस दिन का विशेष महत्व है और हर साल इस दिन ठंडी खत्म होने और नई फसल की कटाई की खुशी में 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाती है, जिसे सूर्य की पूजा की जाती है और हम इसे उत्तरायण भी कहते हैं। मकर संक्रांति के दिन सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो की जाती है वो है पतंगबाजी। इंडिया के मैक्सिमम हिस्से में पतंगबाजी की जाती है। मकर संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों में जाना जाता है। यूपी में इसे खिचड़ी पर्व कहते हैं, वहीं पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, तमिलनाडु में पोंगल नाम से मनाया जाता है, असम में भोगली बिहू के नाम से मनाया जाता है। तो हमने देखा मकर संक्रांति में अपने सूरज चाचू का कितना रोल है, तभी तो
तभी तो हम इसे सूरज चाचू कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब तुम लोग को पता चल गया है कि मकर संक्रांति के पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, क्या साइंस है, और अब हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। थैंक यू।